रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने के नाम पर सीबीआई के द्वारा लालू परिवार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके पहले में भोला यादव, जो लालू प्रसाद यादव के हनुमान कहे जाते थे, उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद अब तेजस्वी यादव का नाम आया, उसके बाद लालू प्रसाद यादव का नाम आया, फिर राबड़ी देवी का नाम आया और तेजस्वी यादव का नाम आया, और अब तेजस्वी यादव के निजी सलाहकार संजय यादव का नाम जो है उसमें सामने आ गया है। आपको बता दें कि जॉब फॉर लैंड स्कीम के मामले में तेजस्वी के निजी सचिव से सीबीआई ने घंटों सवाल जवाब किया है और उनके समन के खिलाफ कोर्ट चले गए थे संजय यादव। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के निजी सचिव संजय यादव भी सीबीआई के जांच के दायरे में आ गए हैं। सीबीआई ने बीते ही दिनों उनसे दिल्ली में कई घंटे तक पूछताछ की है। संजय यादव तेजस्वी यादव के सलाहकार हैं, वे हरियाणा के रहने वाले हैं। संजय यादव से सीबीआई ने पूछताछ की है, उनसे पूछा है कि एक दिन पहले ही उनसे कई मामलों में तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव, माँ राबड़ी देवी और बहन मीसा भारती को नामजद किया था। अब इनकी संभावनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं कि संजय यादव को 17वां अपराय आरोपी जो है वो बनाया जा सकता है। निजी मामले में उनसे पूछताछ की गई है। वह मामला जिस समय का है जब भारतीय रेल में 2004 और 9 के समय लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे और आरोप ये है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने पटना के 12 लोगों को ग्रुप डी में नौकरी दी है, उनसे अपने परिवार के लोगों के नाम पटना में ज़मीनें लिखवाई हैं। सीबीआई का कहना है कि लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव के नाम प्लॉट्स की रजिस्ट्री कराई गई है। तो बड़ी खबर और बड़ी जानकारी यह है कि तेजस्वी यादव के निजी सलाहकार हैं संजय यादव, उनको सीबीआई ने अपने अंडर में ले लिया है और उनसे पूछताछ की है। आपको बता दें कि रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने का ये मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब उस वक्त आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे और उनसे उन्होंने रेलवे ग्रुप डी में नौकरी दिया था जमीन के बदले, यानी कि जमीन रजिस्ट्री करवाई थी अपने परिवार वालों के नाम और फिर रजिस्ट्री के बाद जो है रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी लगाई थी। आरोप ये भी है कि रेलवे में जिन पदों पर भर्ती हुई उसका ना तो विज्ञापन निकला और ना ही सेंट्रल रेलवे को सूचना दी गई थी। आवेदन देने के 3 दिन के अंदर नौकरी दे दी गई। पटना के 10 सर्कुलर रोड से सीबीआई को एक हार्ड डिस्क मिला जिसमें लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री के कार्यालय में रेलवे में नौकरी पाने वाले 1458 उम्मीदवारों की सूची थी। हालांकि सीबीआई के समन को चुनौती देते हुए संजय यादव कोर्ट गए थे और कहा था कि ना तो लालू प्रसाद यादव घोटाले में नामित उनके परिवार के सदस्य से जुड़े हैं और ना ही उनका कथित अपराध से कोई संबंध है। यादव ने आरोप लगाया था कि सीबीआई ने बिना किसी आधार के उन्हें परेशान करने के इरादे से समन जारी किया था। इन तमाम तर्कों के बावजूद इन्हें सीबीआई की जांच में शामिल होने पड़े थे और सीबीआई ने कई घंटों तक उनसे पूछताछ की। इसकी चर्चा खूब हुई कि तेजस्वी यादव तक पहुंचने के लिए यह पूछताछ की नहीं की जा रही है। तेजस्वी ने सीबीआई को लेकर कई तरह की टिप्पणियां भी की थी। इससे पहले लालू प्रसाद यादव ओएसडी रहे विधायक भोला यादव के ठिकानों पर सीबीआई ने सिर्फ छापेमारी ही नहीं की बल्कि उनको अरेस्ट कर पूछताछ भी की थी। भोला यादव साल 2004 से 9 तक जब लालू यादव रेल मंत्री थे उनके समय, उस समय वो भोला यादव ओएसडी हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव का। माना जा रहा था कि भोला यादव से पूछताछ में सीबीआई ने कई बातों की जानकारी हासिल की है। अब तेजस्वी यादव के निजी सचिव संजय यादव से पूछताछ में सीबीआई नई जानकारी हासिल करने में जुटी हुई है।